माझ्यावरती राग आहे ना, माझ्यावरती राग करा, माझ्या पाठिंबा करा, पण मुंबईच्या काळजात कट्यार घुसवू नका. आरेचा निर्णय त्यांनी जो बदलला त्याने मला खरंच दुःख झालेलं आहे. अपना ईगो आप बाजू रखिए और ये कारशेड जो है इसको आरे में होने दीजिए. मेट्रो को लेकर क्या आप सोच रहे हो, क्या करने वाले? देखिए मेट्रो थ्री इसका बहुत काम हो चुका है, लेकिन जब तक कारशेड का काम नहीं होता तब तक ये मेट्रो शुरू नहीं हो सकती. पिछली सरकार ने जहां कारशेड प्रपोज किया वो जगह अभी भी डिस्प्यूट में है और वो जगह मिलने के बाद भी 4 साल कारशेड नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी उस जगह पर 25% काम हो चुका है और बचा हुआ 75% काम वहां पर तुरंत किया जा सकता है. इसलिए मुंबई करों के हित में तुरंत अगर मेट्रो शुरू करनी है तो कारशेड वही बनना चाहिए और इसलिए हमारा यही फैसला रहेगा कि कारशेड वही बने. सर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कारशेड को लेकर अगर उनकी कोई उनका गुस्सा जो है कारशेड और इसको लेकर. उद्धव जी का पूरा आदर रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि उनका निर्णय गलत था. ये उनको बार बार मैंने कहा था, मैंने उनको ये विनती भी की थी कि अपना ईगो आप बाजू रखिए और ये कारशेड जो है इसको आरे में होने दीजिए. देखिए मुझे ये बताइए कि कारशेड के बारे में केस हुई हाई कोर्ट में, ग्रीन ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह सहमति मिलने के बाद, ये कोई जंगल तोड़ने की बात नहीं थी, सारी सहमति मिलने के बाद. और मैं सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका जवाब दिया जा सकता है कि वहीं आसपास बिल्डरों को तो आपने परमिशन दे दी झाड़ तोड़ने की, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि वो जितने झाड़ तोड़े गए वो सारे झाड़ अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं उतना ये मेट्रो 80 दिन में करेगी. ऐसे समय इसको केवल पॉलिटिकल न किया जाए और मुझे लगता है कि ये मुंबई करों के साथ अन्याय होगा और इसलिए हम कारशेड वही करेंगे.